आप लोग, आज मैं आपको टैब का मतलब बताऊंगा। जो न्यू टैब होता है गूगल क्रोम के अंदर, वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब अपने तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं न्यू टैब का मतलब, तो आपको आपको कुछ ऐसा ही अलग सा मतलब पता चलता है, और वो आपकी समझ में भी नहीं आता, ठीक है। मैं गूगल पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ टैब मीनिंग इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, जो कि गूगल की डिक्शनरी में है। अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ, मेटल और पेपर दैट इज फिक्स्ड टू द एज ऑफ समथिंग टू हेल्प यू ओपन, होल्ड और आइडेंटिफाई इट। कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टैब का गूगल क्रोम वाले टैब से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। देखो, जब आप क्लिक करते हो, आपको यहाँ न्यू टैब दिखता है। अब न्यू टैब का मतलब क्या होता है? ये ऐसा फीचर है गूगल क्रोम का कि इसके अंदर आप एक नया पेज खोल सकते हैं। टैब मतलब पेज, हिंदी में बोले तो पन्ना। एक नया पन्ना आप खोल सकते हैं। अब क्यों खोलेंगे? मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ सर्च किया, जैसे फ्रूट, फ्रूट सर्च कर दिया। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं फिर कुछ और सर्च करूँ, तो आप क्या करते हैं, दोबारा थ्री लाइन पे जाएंगे और न्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। क्या होगा? दोबारा से नया पेज खुल गया, नया पन्ना खुल गया। तो ऐसे ही ये जितने पन्ने होते जाते हैं, उन पन्नों को आप जो है जब चाहे तब दोबारा से पढ़ सकते हैं। कैसे? इस जगह पर क्लिक करके। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपको सारे वो चीज़ें मिल जाएगी जो भी पन्ने आपने नए नए खोले थे, ठीक है। पन्ने मतलब नया टैब, तो न्यू टैब का मतलब हो जाता है नया पन्ना। उम्मीद आपको पता चल गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना।